हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हमारे पास 4 साल पुरानी एक स्विफ्ट डिजायर है जिस पर हम फुल रेस्टोरेशन करने वाले हैं। तो इस गाड़ी पर काफ़ी सारा डेंट है, हम इसको फुल डेंटिंग करने के बाद पूरा रिपेंट करने वाले हैं। इसका कलर सेम रहेगा, आर्टिक वाइट मेटेलिक कलर है। इस गाड़ी पर सबसे ज़्यादा डेंट पीछे का साइड हुआ था। पीछे का हमने डिक्की, दो पैनल्स और बम्पर नया डाला है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। डिक्की बहुत ज़्यादा डैमेज था, तो डिक्की खोलने के बाद हम पैनल्स को भी काट के हटाया। पैनल्स हटाने के बाद में हमने इसका पोजीशन चेक किया, पोजीशन पहले वाला जगह पर नहीं था, पोजीशन आउट था, तो हम इस वजह से हमें डोर खोलना पड़ गया। उसके बाद हमने नया पैनल्स लगा के चेक किया, तो हमने इसका टॉप को रिपेयर कर दिया और छोटा मोटा जो गाड़ी पे डेंट था उससे भी हमने हटाया। टॉप रिपेयर होने का कारण टॉप में हमें रस्टिंग का प्रॉब्लम देखने को मिला, तो हमने ग्लेंडर से रस्टिंग को पूरा हटाया। कार वन साइड रिपेंट था, तो हमने जब चेक किया तो इसका क्लियर कोट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, पेंट क्रैक हो चुका था, तो हमने स्केपर का मदद से हमने कलर को हटाया। उसके बाद हमने पूरा गाड़ी को सैंड किया। टॉप में हमें रस्टिंग प्रॉब्लम दिखा, इस वजह से हमने रेड ऑक्साइड प्राइमर टॉप में किया ताकि आगे चल के आपको रस्टिंग प्रॉब्लम ना आए।
इसका टॉप को हमने रिपेयर किया, टॉप का साइड से पानी घुसने का चांसेस रह जाता है, इसलिए हमने सिलिकॉन से इसे लॉक किया। उसके बाद जहाँ जहाँ डेंट था उस जगह को हमने पुट्टी फिल किया। पुट्टी फिल होने के बाद पुट्टी को हमने पूरा सैंड करके लिया और उसके बाद हमने और एक पुट्टी इसमें फिल किया। ये पुट्टी को इसलिए फिल किया जाता है, जो छोटा मोटा स्क्रैच रहता है ये पुट्टी उसको फिल कर देता है। पुट्टी फिल होने के बाद पुट्टी को हम सैंड करेंगे। डोर कॉर्नर साइड को हम अच्छा से सैंड करेंगे क्योंकि उसमें धूल मिट्टी रहने का चांसेस रहता है और उस पर आप अगर कलर मार देते हो तो कलर आगे चल के आपका पपड़ी बन के निकलने का चांसेस रहता है। तो हमें पूरा गाड़ी को अभी टेपिंग करना है, जैसे डोर बीट है उसे हमें ढकना है और आगे का मिरर को भी हमें ढकना है। तो पूरा गाड़ी टेपिंग हो जाने के बाद गाड़ी फर्स्ट कोट प्राइमर के लिए रेडी है। प्राइमर हो जाने के बाद हम इसको तीन मेजर स्टेप में कलर करेंगे। एक गाड़ी का बेस कोट रहेगा और गाड़ी का कलर रहेगा और लास्ट में क्लियर कोट का फिनिशिंग रहेगा।
गाड़ी पेंट हो जाने के बाद हमने जो टेपिंग किया था उसे हम हटाएंगे। तो अभी हम पूरा गाड़ी को सैंड करेंगे। सैंड इसलिए किया जाता है, कलर का जो रैप है वो हट जाता है और कलर काफ़ी स्मूथ हो जाता है। और उसके बाद रोबिन कंपाउंड 1 स्टेप का फिनिशिंग पॉलिश रहेगा। ये पॉलिश करने के बाद कलर आपका और ज़्यादा शाइन करेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।